हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट्स स्पा चैनल। आज हम दिखा रहे हैं मेरा टेरेस गार्डन मॉनसून का। मॉनसून में ये हाल है, देखिए। ये है मेरा डबल पेटल हिबिस्कस, बहुत सुंदर खिले हैं। पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि इसके लिए मैं क्या करती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ नीम के लीव्स है जिसे सूख के मिट्टी में डाल दिया गया है। क्योंकि मॉनसून है इसलिए फंगस का डर होता ही है। अगर आपके पास फंजिसाइड नहीं है, आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं, तो बेस्ट है ये नीम के लीव्स। ये देखिए रेन लिली, ये इन्हीं का मौसम है। जितना इसमें रेन का पानी गिरेगा उतना ज़्यादा कलियाँ आएंगी। बहुत रेन सेंसिटिव है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए मेरा येलो रेन लिली, इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरा रोज़ प्लांट है, इसको बहुत केयर किया है, उसके बाद ये इसमें कलियाँ आ रही हैं। ये बटन रोज है, इसमें भी बहुत सारे कलियाँ आए हैं, पर उतना अच्छा नहीं है, वीक है। इसे काट देंगे ताकि ये प्लांट अपनी एनर्जी विंटर के लिए सेव करे। अगर आपको अच्छा ना भी लग रहा हो तब भी आपको ये काटना ही होगा, क्योंकि ये पेड़ के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी सेव करेगा और बुशी होगा। ये रहा मेरा पर्पल हिबिस्कस, कितना खूबसूरत है। पहले इसमें कलियाँ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा था एलम का पाउडर, एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी एलम का पाउडर मिक्स करके उसे थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट करके हमने सारे पेड़ में दिया था, तो उसका रिजल्ट ये है। देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं, हर ब्रांचेस में कलियाँ हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। महीने में एक बार एलम का पाउडर ऐसे एक मुट्ठी लेके बाल्टी के पानी में, एक बाल्टी पानी में मिक्स करके पेड़ में दीजिए, तो इतनी सारी कलियाँ आएंगी। बहुत ही खूबसूरत है। इसमें भी ये वाला पिंक हिबिस्कस है, कल खिलेगा, इसमें भी कलियाँ आई हैं। ये देखिए ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।